हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टीबी फोरम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न रोगों के निदान में अब तक की गई कार्यवाही, उसकी प्रगति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद में निरंतर पोषण किटों का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कोऑपरेटिव, कारपोरेट जगत, महंत रविंद्रपुरी, शांति कुंज, स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आदि द्वारा समय समय पर टीबी के मरीजों को गोद लिया जा रहा है तथा भारत को टीबी मुक्त बनाने में पूरा सहयोग किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने कहा कि टीबी गरीबी और शिक्षा का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसे समूल नष्ट करने के लिए हम सभी को प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त अभियान के तहत वर्ष 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। नव भारत समाचार, हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। बेसिकली ये जो टीबी फोरम की बैठक है, इसमें जो भी हमारे काम करने वाले हैं टीबी से रिलेटेड, चाहे वो एनजीओस हैं, चाहे जो रिक्शे में तो पढ़ने वाले हैं, टीबी पेशेंट्स को लाने वाले हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए सबको एक प्लेटफॉर्म पे एम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है। पर्पज़ इस मीटिंग का यही है कि टीबी चूँकि एक ऐसी बीमारी है जो लो सोशियोइकोनॉमिक के स्टेटस वालों में या गरीब में जिनमें फैल रही है, तो ज़्यादा ना फैले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि 2025 तक हमें टीबी को कंट्रोल करना है। प्लस ये कि जो उन्हें निक्षय मित्र एक शुरू किया गया है जिससे उन्हें डाइट प्रॉपर मिलती रहे दवाइयों के साथ साथ, एक उसके की एक काज डीएम साहब ने उसका भी वो किया है कि किस तरह से इसे हम बढ़ा सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को गोद लें, जिन्हें जब तक दवाई चलती है तब तक 6 महीने तक उन्हें आपको फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, तो हर मरीज एक गोद ले सकता है, जैसे हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, तो उसे ही कि कैसे बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारे हमारे एनजीओ पार्टनर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, जिनमें जैसे इंडियन ऑयल भी हैं और रविंद्रपुरी जी महाराज जी भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे इवेंट पतंजलि हैं, तो ये कि इसे किस तरह से और बढ़ाया जाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और निक्षय मित्र मैक्सिमम नंबर हम बढ़ा सकें।